अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर शाहिना। और आज मैं आपको डेली रूटीन में जो भी क्रीम यूज़ करती हूँ जेड ओट की, मैं उसके बारे में रिव्यू दूंगी और उसका यूज़ करने का तरीका बताऊंगी। प्राइस वगैरह सारी चीज़ें आपको साइट पे मैंने मेंशन कर दी, तो वो देख लीजिएगा। बीबी क्रीम से क्या मतलब है? बीबी क्रीम का मतलब है ब्यूटी बाम। ब्यूटी बाम मतलब जिससे आपकी ब्यूटी इन्हेंस होती है, आपकी स्किन पर बिल्कुल ही ऐसा मेकअप, नो मेकअप लुक आता है, बहुत ज़्यादा मेकअप की कवरेज नहीं होती है। अच्छा, ये जो नोट की जो जेड ओट की जो ये बीबी क्रीम है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैं आपको बताऊँ कि ये पैराबिन फ्री है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें प्रिजर्वर नहीं है, ऐसे केमिकल नहीं है जो मेकअप में प्रिजर्वर के लिए डाले जाते हैं। इसलिए क्या होता है, जब आप इसके सील को खोल दें उसके बाद आप कोशिश करें कि 12 महीने तक उसको यूज़ करें, उससे पहले ही उसको ख़त्म कर दें, वरना इसको फिर बाद में ज़ाया कर दें, ताकि ये जो है ना फिर आपको स्किन को डैमेज ना करे। इसमें कंसीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है, अच्छा फॉर्मूला है कि कंसील हो जाती है स्किन के आपकी छोटी मोटी जो चीज फॉल्ट्स होते हैं, और इवन कर देता है आपके टोन को। ऑल स्किन टाइप के लिए ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मल वाले तो लाजमी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने यूज़ किया आर्गन ऑयल के साथ, और ब्रश के साथ मैं इसकी आपको फाउंडेशन की एप्लीकेशन दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसको फिंगर टिप्स पर भी पूरे चेहरे पर आराम से लगा लें। और बहुत लाइट कवरेज आपको चाहिए तो आप मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको फिंगर से लगाएं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा हो तो आप इसको फिर ब्रश से लगाएं और उसके बाद उसको जो है ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें, क्योंकि ब्रश के बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर की लाजमी ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्रश कभी भी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग नहीं होती है, तो ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत आपको लाजमी पड़ेगी। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर से जो ब्लेंडिंग करेंगे करने के बाद आप ये देखिएगा कि इसकी कवरेज ज़रा ज़्यादा होती है, अगर आप फिंगर से करेंगे तो उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं होगी। नेक एरिया को आप लाजमी तौर पर कवर करें, ऐसा ना हो कि आपने फेस पे तो फाउंडेशन लगा लिया लेकिन आपने नेक पर नहीं लगाया, तो नेक पर भी लगा लीजिएगा लाजमी तौर पर। हर फाउंडेशन को यूज़ करने का एक अलग तरीका होता है, इसी तरह बीबी क्रीम को जब आप लगाते हैं तो लाइट कवरेज के लिए आप इसको क्या करेंगे, फिंगर टिप से लगाएंगे। ज़रा अच्छी कवरेज चाहिए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें या ब्रश यूज़ करें। आज मैंने ब्रश की मदद से आपको एप्लीकेशन बताई है, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम ब्रश या किस तरीके से फाउंडेशन लगाएं, तो आप इसमें कोई प्राइमर ऐड कर लें या कोई आर्गन ऑयल अगर आपके पास है तो वो इसमें ऐड करें, उसके बाद जो है इससे क्या होता है ये थोड़ा सा रनिंग हो जाता है, तो बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है ब्रश इसकी एप्लीकेशन हो जाती है। बहुत ज़्यादा थिक हो तो ब्रश उसकी एप्लीकेशन अच्छी नहीं होती, स्ट्रोक्स नज़र आते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर वैसे आपको यूज़ करना ही पड़ता है। अच्छा, मैंने आपको अपने हाथ पर दिखाया था कि ब्रश मैंने किस तरह इसको अप्लाई किया है और फिंगर टिप से कैसे किया, इसकी कवरेज दिखाने के लिए, शायद आपको कैमरे में इतनी ज़्यादा नज़र ना आए, लेकिन ये हुआ था कि ब्रश जो इसकी कवरेज है वो ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही थी, और मैं अमूमन ही होता है फिंगर टिप से करती हूँ तो ज़रा लाइट होती है। उसके बाद मैंने क्या किया, आईब्रोज़ के लिए पेंसिल मेरे पर्स में हर वक्त आपको मिलेगी, ये पेंसिल इसके साथ क्योंकि आईब्रो ब्रश भी साथ है, तो ये होता है कि लाइट लाइट स्ट्रोक्स से हमने बिल्कुल लाइट लाइट हैंड से, ताकि बिल्कुल नेचुरल लगे मेरा मेकअप। डेली रूटीन में जो मेकअप करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हार्श लाइन और बहुत तो प्रॉपर शेप जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, नेचुरल नहीं लगता। तो मैंने क्या किया है कि ब्रश से मैंने आईब्रोज़ को शेप किया, और उसके बाद जो है इस तरीके से इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, क्योंकि बिल्कुल क्लोज आप जब किसी के साथ होते हैं तो जो पेंसिल के स्ट्रोक्स होते हैं डार्क स्ट्रोक्स भी बुरे लगते हैं और अनब्लेंडेड भी बहुत बुरे लगते हैं, तो ब्लेंड करना इसको ज़रूरी होता है। तो हमेशा ये आप कोशिश करें कि कोई भी पेंसिल लें तो आप उसके साथ आईब्रो ब्रश उसके साथ लगा हुआ हो, या कोई स्पूली लगी हुई हो, स्पूली जो होती है जो मस्कारा के जो ब्रश होते हैं उसके शेप को स्पूली कहते हैं, तो वो आप अपने पास लाजमी रखें, क्योंकि आईब्रोज़ के जो शेप होता है ना वो आपके पूरे फेस और पूरे मेकअप को जो है ना इन्हेंस करता है, उसको एक प्रॉपर शेप देता है। मेरे बहुत लाइट आईब्रोज होती हैं तो इस वजह से मुझे क्या होता है कि मुझे अपने आईब्रोज के शेप की बहुत फिक्र रहती है। उसके बाद मेरा ये न्यूड्स है, ये एक लॉरियल का एक ट्रांजिशन शेड है, बिल्कुल न्यूड्स है, लगा लो तो बिल्कुल फील नहीं होता, लेकिन क्या होता है पूरे चेहरे को बहुत ज़्यादा जो है ना लाइट लाइट सा ऐसा लगता है कि जैसे पूरे स्किन जो होती है ना फाउंडेशन सा हो रहा है, कंसील हुआ लग नहीं लगता। तो आपने क्या करना है, आपने एक आईज पे कोई भी ट्रांजिशन शेड आप लेके लगा लें, लिपस्टिक आप जो भी रेगुलर यूज रूटीन में लगाना है आप वो लगाएं। ये मैंने थोड़ा सा मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए कि फाउंडेशन के बाद आपको ये पूरा लुक कैसा नज़र आता है वो मैंने एक लुक क्रिएट किया था, बिल्कुल लाइट सा नो मेकअप लुक जो आपको डेली रूटीन में आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। अच्छा, ब्लश ऑन के लिए आप कोई भी ब्लश ऑन कर लें, मैं तो आपको कभी एक ट्रिप बताऊंगी कि मेरे पर्स में सिर्फ आईब्रो और एक लिपस्टिक हो तो मैं उसी से पूरा मेकअप कर लेती हूँ, तो वो मेरी ट्रिप भी मैं किसी दिन बताऊंगी। विदाउट फाउंडेशन जब मुझे रेडी होना हो तो फिर मैं बिल्कुल सिर्फ आईब्रो पेंसिल और एक लिपस्टिक से पूरा मेकअप करती हूँ। अच्छा, ये मैंने अपना पूरा एक लुक क्रिएट किया, आईब्रोज़ को मैंने दोबारा से जो है शेप को किया, क्योंकि मैं आईब्रोज़ के मामले में बहुत जल्दी सेटिस्फाई नहीं होती हूँ, ये मेरी एक जो है ना वीक पॉइंट है।
ये मेरा टोटल जो है ना लुक क्रिएट हुआ है। थोड़ा सा मैंने मस्कारा और लाइनर भी लगा दिया था कॉर्नर्स पर, पूरा इस पर नहीं लगाया था, तो वो मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने उसके डिटेल अभी नहीं डाली है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, किसी अच्छी से टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अगर आपको कुछ कमेंट में कहना हो तो ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।